कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? और करीब पूरे 5 दिन बाद आपसे मिलता है। और पोस्ट आप लोगों ने देखी होगी, तो पोस्ट में हमने आप लोगों को बताया था, इसीलिए बताया था। देखिए ना, जब वीडियो मेरे नहीं आते हैं तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, और आप लोगों के मन में देखिए, जब हम जिनसे लगातार मिलते रहते हैं और नहीं मिलते हैं, और तो लगता है ना कि कोई तो बात होगी जो इनके वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो गए, और आवाज़ शायद आपको डिस्टर्ब करेगी, पास में रखें। तो मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, अलग अलग वीडियो पे आए हुए थे कमेंट, और जो पोस्ट हमने डाली हुई थी ना, इसलिए हमने पोस्ट में ना आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं सही है। और तो उस पोस्ट में भी काफ़ी कमेंट हैं, 10-12 कमेंट हैं, जो कि ना कुछ कमेंट तो दिख ही नहीं रहे हैं। पता नहीं, कभी कभी ऐसे होता ना कि कमेंट दिखते नहीं है ऊपर। तो हमने आपको इन्फॉर्म किया था, एक्चुअली ना 26 तारीख को ना मेरी बड़ी नंद की एनिवर्सरी भी होती है, और जो एक नंद मेरी और हैं यहाँ पे लखनऊ में, उनकी भी एनिवर्सरी थी। उस दिन ना हम लोग सब कुछ अच्छा ठीक ठाक माहौल था, थोड़ा सा आपको बताया दे रहे हैं मम्मी के बारे में, तो वही सब बता रहे हैं। अच्छा माहौल था, ठीक ठाक माहौल था। और जो है, मम्मी को 2-3 दिन से पहले से प्रॉब्लम थी, उनको ना हल्की फुल्की कफ खांसी टाइप का कुछ हो रहा था, हल्की सी सांस फूल रही थी, तो हम लोगों को लगा शायद ये कफ खांसी की वजह से है। और तो उनको पास से दवा ला के दी थी, तो कह रही थी आराम मिल जाएगा, उनसे बोला था कि दिखाने चलो। एक्चुअली ना वो जल्दी जल्दी तैयार नहीं होती दिखाने के लिए, जाने के लिए साथ में, और कभी ऐसे ना एक्सपीरियंस हम लोगों का हुआ भी नहीं कि ऐसे हो सकता है। और तो हम जाने वाले थे, जो मेरी यहाँ पे नंद रहती है ना लखनऊ में, एक बुआ सास की बेटी है, उनकी वीडियो भी शूट किया, आपको आगे वीडियो दिखाएंगे जब कभी अपलोड करेंगे मन किया तो उन्हीं के यहाँ हम गए हुए थे, और मम्मी से पूछ के गए थे, सामने सोफे पे बैठी थी। हमने कहा मम्मी हम दीदी के यहाँ के लिए जा रहे हैं एनिवर्सरी के लिए, एक्चुअली 2 फंक्शन थे तो उनके एनिवर्सरी में हम गए हुए थे, तो पूछ के जा रहे थे। बोले जाओ, और हल्का सा खांसी, मतलब आवाज़ कहते हैं ना जैसे कफ वाली आवाज़ होती है, बैठी हुई थी। तो हमने कहा मम्मी पूरा आराम नहीं मिला आपको? कह लगी कोई बात नहीं, मिल जाएगा, अभी 2-3 दिन ही तो हुए हैं, तुम जाओ। और हम चले गए, और उसके बाद हम घर करीब आए 10-10:30 बजे। बस घर आके बैठे हम चेंज ही नहीं कर पाए होंगे, और इतने में मेरे देवर का फोन आ गया कि भाभी जल्दी घर आओ। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वीडियो देखे हैं, मेरा एक घर यहाँ है, एक घर बगल में है। भैया ने फ़ोन किया, भाभी जल्दी आओ, पापा सो गए होंगे, पापा अंदर थे, भैया थे, भैया ने देखा होगा मम्मी को। तो जो है हम गए, तो जब उनको देखा ना, तो मेरे तो हाथ पैर से फूल के बहुत ज़्यादा, ऐसे उन्होंने कभी नहीं किया पहले, सांस बहुत उनकी फूल रही थी, खींच खींच के सांसें ले रही थी बहुत ज़्यादा। और जो है पूछ रहे थे तो हाँ ना मैं बोल रही थी, बता रही थी, और उलझन उलझन, और ठंडी बॉडी थी उनकी, हाथ पैर एक्चुअली ठंडे थे उनके, हाथ पैर ठंडे से हो रहे थे, और पसीना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और कह रही बहुत गर्मी लग रही, हाथ पैर ठंडे, गर्मी लग रही, बहुत पसीना। तो जल्दी से उनको हम लोग यहाँ पे ले गए इमरजेंसी में, हॉस्पिटल एक, तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग ले जाइए, और जो है सुबह लेके आइए, दवा लिख के दी। हमको कुछ समझ नहीं आया, फिर हम दूसरी जगह लेके, हमने वो दवा भी नहीं खिलाई उनको, हमने कहा हम रिस्क उठा लेंगे, हम ले जाएंगे कहीं और, फिर और किसी जगह लेके गए। वहाँ लोगों ने बहुत मुश्किल से एडमिट किया, बोले ये हालत बहुत ख़राब है इनकी, बताया कुछ भी नहीं। हम पूछ रहे हैं सर बता दीजिए क्या है, हम थे, मेरे देवर थे, पापा को नहीं बताया था हम लोगों ने, और ये थे। तो जब वहाँ ले गए तो उन लोगों ने एडमिट कर लिया, इलाज शुरू किया, और उन लोगों ने बता दिया, और सीरियस है ऐसे भी बोल दिया कि जो है क्रिटिकल है ये काफ़ी ज़्यादा, और इलाज उन लोगों ने शुरू कर दिया। और जो है उसके बाद पूरी रात उनको वहीं रखा, और उनकी हालत जैसे जिस हिसाब से हम समझ सकते हैं, देखिए डॉक्टरी के हिसाब से नहीं समझ सकते, बाकी देखने में कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही थी, हमें लग रहा था इनको बिल्कुल आराम नहीं है, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तो हम बार बार जाके ना डॉक्टरों से बोल रहे थे, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनसे भी बोल रहे थे कि मम्मी को आराम नहीं है मेरे यहाँ, हमको घबराहट बहुत हो रही थी, बहुत ऐसे लग रहा था कि मतलब पहले आना का जवाब देना, आँखें खोल के देखना, पानी मांगना, वो सब भी बंद कर दिया था उन्होंने। तो हमने अपने देवर से बोला, इनसे बोला, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं और लेके चलते हैं। तो जब डॉक्टर को बुला के ये बात बोली, वो लोग कहने लगे ना ये बहुत, डॉक्टर से बात की फ़ोन पे, बुलाया कि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मेरे लिए, बोला, और बार बार आ रही हैं अंदर और डिस्टर्ब कर रही हैं, बोल रही हैं आराम नहीं है। तो फिर डॉक्टर आए, उन्होंने कहा
देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ रख सकती हैं, चाहे तो आप ले जा सकती हैं, इनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। हो सकता है रास्ते में इनको कुछ हो जाए, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे बोल दिया। हम तो आपको सलाह देंगे आप यहीं पे रखिए, और जो है जो इलाज चल रहा है चलने दीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, ऐसे भी बोल दिया। बीपी बहुत हाई था, शुगर बढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, और जो है बॉडी ठंडी पड़ रही थी। हमने फिर पापा भी आ गए, सुबह का टाइम है, पापा भी आ गए। तो जो है जो पापा को बताया, क्योंकि कुछ तो बताना था थोड़ा बहुत उनको, तो पापा और बाकी लोगों का कहना, मतलब मेरे हिसाब से उन लोगों का मन ये था कि कहीं नहीं ले जाएंगे, जैसे चल रहा चलने दो, क्योंकि रिस्क है, रिस्क के नाम से लोग डर गए। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था पहले, तो हम भी डर गए कि नहीं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करें। डॉक्टर ने कहा आप उनको परेशान मत करिए, जैसे चलना चलने दीजिए। और दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई, इन्फेक्शन किडनी में भी आ गया है, और जो हार्ट जो है पंप नहीं कर रहा ठीक से, और गुड़ वो किडनी में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, ऐसे करके सब कुछ बताया। फिर उसके बाद जो है पता नहीं मेरा दिल नहीं गवारा कर रहा था, हम कह रहे थे जब ऐसा हो नहीं है तो रिस्क लेंगे हम बस। फिर हमने कहा दिल से नहीं सोचेंगे, हम दिमाग से सोचेंगे। फिर हमने बोला सबसे कि हम लेके जाएंगे, डॉक्टरों से मेरी हल्की फुल्की सी कहते नहीं झड़प हो जाती, जब आप परेशान बहुत होते हैं तो आपके मुंह से कुछ भी निकलता है। तो हमने कहा सर हम लेके जाएंगे इनको, पूरे रिस्क लोगी तुम, लिख के दो उनको ये वो, लिख के दे दिया उनको। ले गए एम्बुलेंस से ऑक्सीजन लगा के, फिर जहाँ के लिए बोला गया था हम वहीं लेके गए। थोड़ी सी जान पहचान थी वहाँ पे, सोर्स था सब कुछ था, इनको डायरेक्ट इलाज मिला, वहाँ पे एडमिट किया गया। तो जो सांस लेने में इनको बहुत प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हुआ, वहाँ पे हल्का फुल्का आराम मिला, उन्होंने दूसरी जगह पे रिफर कर दिया। बोले हम लोग ना हार्ट पे काम करते हैं, कार्डियोलॉजी वाले थे वो लोग, कह लगे हम इस पे तो काम करेंगे बेटा, और जो प्रॉब्लम है ना इनके साथ उस पे जो है आप कहीं और ले जाइए। फिर जहाँ के लिए उन्होंने रिफ़र किया हम लोग वहीं लेके गए। तो अभी ये है कि बोल रही हैं, खा रही हैं, उठ के बैठ भी जाती हैं, बाकी इतना ही इम्प्रूवमेंट है। शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ है, किडनी में इन्फेक्शन निकला है, तो वो सब दवाइयाँ उनकी चल रही हैं, और इमरजेंसी में अभी हम लोग इमरजेंसी वाले विभाग में हम लोग। तो हमने सोचा आपको बता दें, हम सुबह चले जाते हैं करीब जो है 10 बजे चले जाते हैं, और रात में करीब 11 बजे तक घर आते हैं। बीच में और जो आने जाने वाले लोग रिलेटिव्स हैं मेरे, बीच में वो आते जाते रहते हैं। और सुबह खाना बना लिया हमने, लेके जाएंगे मम्मी का भी, लेके जाएंगे अपना भी, एक बार भेज चुके हैं, जल्दी सुबह भेज दिया हमने, 10 बजे करीब हम जाएंगे लेके। और जो है आज 2 तारीख है, एक्चुअली ना हम रोज़ ही सोचते थे आप लोगों से बात करने के लिए, रात में हम वहाँ से आते थे ना, हमको जल्दी से नींद नहीं आती थी, इतना कुछ आँखों के सामने होता है ना, इतना कुछ आँखों के सामने, मतलब ये है कि ज़िंदगी की जो असली सच्चाई है ना अभी हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। कहते नहीं है हाथ पकड़े पकड़े लोग आपकी हाथों से चले जाते हैं, किसी का भाई चला जा रहा हाथ पकड़े बहन खड़ी हुई है, किसी का भाई चला जा रहा, किसी की माँ चली जा रही है, किसी के बाप चले जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। और तो ना रोज़ हम सोचते थे आप लोगों से बात करने के लिए, पर हम सोचते थे ना रो के बात नहीं करेंगे, और जागते रहते थे, फोन लेके बैठे रहते थे। और वैसे वीडियो बनाने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं, कि मेरा दिमाग ही नहीं, एक बार भी हमने सोचा नहीं कि मेरे चैनल पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज हमने थोड़ा सा देखा हुआ है, और जो है जो हम वहाँ देख रहे हैं ना बहुत डरावना है सब कुछ, बहुत डरावना है, और कुछ नहीं कर पाते आप, और हम भी उसी दौर से भी गुजरे हैं। इस तरह की बातें करते हैं ना मेरी सांस फूलने लगती है, और यही वजह थी जो हम आपसे ना सामने से आके कुछ बात नहीं कर रहे थे, हालांकि हम 5-10 मिनट का टाइम निकाल सकते थे आप लोगों से बात करने के लिए। बस यही बोलेंगे ना कि ज़िंदगी का कभी कुछ पता नहीं, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और सारी जगह डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपके नसीब में अगर होंगी आपकी सासू माँ तो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो बस आगे जैसा होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। और वो रोज़ बोलती हैं वीडियो बनाने के लिए, डेली बोलती हैं कि तुम वीडियो बनाओ, हमें दिखा दो सबको, ऐसे बोलती हैं हमें दिखा दो सबको। और जो है उन्हें बहुत चिंता रहती मेरे वीडियो की, और जो हम वहाँ देखते हैं ना उस वजह से हम हिले हुए रहते हैं,
पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसके आगे। हम इतना स्ट्रांग, हम ये सोचते हैं कि हम इतने स्ट्रांग भी थे क्या जैसे हम वो लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं। और आप लोग प्रे करिएगा मम्मी के लिए, मम्मी के इन्फेक्शन ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जल्दी से वो घर आ जाए। क्योंकि मम्मी तो हमने बहुत जल्दी खो दी अपनी, मेरी माँ जो है हमने बहुत जल्दी खो दी। और हम ना कोई कसर रखना नहीं चाहते, कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। मेरा दिल ऐसे करता है ना कि जो हमने अपनी माँ के साथ भी नहीं किया उनके हिस्से का और इनके हिस्से का हम ना इन्हीं के साथ कर दें। क्योंकि मेरे दिल में ना रिश्तों को लेकर बहुत मलाल है कि मेरे अपने ना मेरी आंखों के सामने ऐसे चले गए, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ रोने चले जाते हैं। तो बहुत मलाल है, बहुत कुछ कहना है आप लोगों से ना। चलिए ध्यान रखिए अपना, प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मास्क के साथ रहिए। बहुत कुछ चल रहा है बाहर, बहुत कुछ, और बस ध्यान रखिए अपना।